नमस्कार, मैं हिनाज आपका स्वागत करती हूं हमारे चैनल हिंद वॉइस। दुनिया ऐसी महामारी के चपेट में आई है कि हज़ारों कोशिशों के बाद भी कोरोना का कोई ठोस इलाज मिल ही नहीं पा रहा। हालांकि दुनिया के वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत के बाद हमें एक उम्मीद दिखाई दी थी, वैक्सीन, पर अब इस उम्मीद पर भी धूल जमती नजर आ रही। दरअसल मुंबई में ऐसे मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है जो कोरोना की वैक्सीन पहले लगवा चुके हैं, पर इसके बावजूद उन लोगों में संक्रमण बढ़ता जा रहा है। अभी तक के ऐसे कुल मामलों की संख्या 9,000 बताई जा रही है। इस बढ़ते आंकड़े ने लोगों की और प्रशासन की चिंता बढ़ा दी। मुंबई नगर निगम के एक सर्वे में ये बात सामने आई है कि अभी तक पहली खुराक लेने के बाद कोरोना संक्रमितों की संख्या 14,229 से अधिक है। इस सर्वे में ये भी बात सामने आई है कि दोनों डोज लगने के बाद भी कोरोना वायरस का जो खतरा है वो 60 साल से अधिक उम्र के लोगों में सबसे ज्यादा पाया गया है। अभी तक मुंबई में रहने वाले 18 से 44 साल के जो लोग पहली डोज ले चुके हैं उनमें संक्रमण का आंकड़ा 2,420 है। वहीं दूसरी ओर दूसरी डोज लेने वालों में यह आंकड़ा 1,835 बताया जा रहा है। लेकिन इसका सबसे ज़्यादा असर 60 साल से ऊपर के लोगों में ज़्यादा देखा जा रहा है। इस वर्ग के लोगों में पहली खुराक लेने के बाद 5,004 लोग संक्रमित हुए हैं। वहीं दूसरी ओर जो लोग दोनों डोज ले चुके हैं उनमें कोरोना संक्रमण की संख्या 4,489 हो चुकी है। बीते हफ्ते भी आज तक ने ICMR रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर के हवाले से ये दावा किया था कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड लगवाने वाले लोगों की एंटीबॉडीज 2 से 3 महीने में कम होने लगती हैं। नगर निगम के सर्वे के मुताबिक 0.35% आबादी फिर से कोरोना संक्रमित हो गई है। वहीं जो 1,00,000 लोग वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके थे उनमें से 350 नागरिक फिर से कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। मुंबई नगर निगम के पर आयुक्त सुरेश ककानी ने इस मामले पर विस्तार से बयान देते हुए कहा है कि किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद कोरोना नहीं होगा। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो कोरोना को हराने के लिए सामाजिक दूरी, मास्क पहनना और भीड़भाड़ वाली जगहों से बचने जैसे नियमों का पालन करें। अगर आपको ये खबर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारी वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज लाइक कीजिए, और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।